गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त निखिल सूद, और आज हम बनाने लगे हैं गोंद के लड्डू। तो आज मैं आपको फुल रेसिपी बताऊंगा कि आपको कब क्या करना है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए निखिल सूद चैनल। तो गाइस, स्टार्टिंग इससे करते हैं कि सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। पहली आइटम जो है इलायची, और नेक्स्ट आइटम देखते हैं क्या है। ये है गोंद, ये चुहारे, ये है पिस्ता। ये सब आपको करियाने की दुकान में मिल जाएगा इजीली। गुड़, ये है चार मगज, मूंगफली। सब आइटम के अलावा मैंने लिया है बादाम गिरी, अखरोट, मखाने, काजू। तो गाइज, मैंने दो आइटमों को हाफ़ कर दिया अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें फुल था तो मैंने इसको हाफ़ रख दिया, हाफ़ यहाँ रख दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं बना सकूँ। क्योंकि एक बारी में सारा नहीं बना सकता, एक बारी का एक्सपेरिमेंट करना है हाफ़ का, हाफ़ अगली बार करेंगे। तो हाफ़ हाफ़ आइटम मैंने बांट ली है। तो गाइज, फाइनल मटेरियल ये है, इतनी क्वांटिटी ली है मैंने इन सब चीज़ों की। मेरे मम्मी ने पहले बनाया था, पर मैंने नहीं बनाया कभी, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। तो गाइज, मैंने घर का बना हुआ देसी घी ले लिया है, और इंडक्शन में 700 डिग्री, दैट इज़ वॉट, 700 वॉट। तो सबसे पहले हम लेंगे गोंद, और इससे पहले घी डालेंगे। तो गैस, मैंने घी डाल दिया है, इन्होंने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, तो इनको निकालने का टाइम भी हो गया। अब तैयार हो चुका है, देख लीजिए कितना कलर चेंज हो गया। और नेक्स्ट हमने रख दिया है फ्राई होने के लिए। ये देखिए गैस, चेंज होता हुआ कलर हो गया, टेम्परेचर रंग बदलने वाले हो अपना, गिरगिट की तरह। दिमाग में रखने वाली बातें हैं कि इसको धीमी आंच पे चलाएं। और अभी हम ये सब करने को है, ठंड वाले इलाकों में सबसे अच्छी है, पौष्टिक चीज़ है। रोज का एक लड्डू खाया और प्रभु का गुण गाया। कर दिया है 700, ग्राइंड होकर लड्डू में डालने के लिए तैयार हो जाएं। तो गाइज, इसके बाद है टाइम चार मगज़ का। इनका भी कलर ब्राउन कर ले थोड़ा, चट चट की आवाज़ भी होगी, चटपट होने लग पड़ी, चटपट। और थोड़ा अभी कलर चेंज हुआ है, और रोज़ सुबह उठ के बिना ब्रश किए हुए कोसा पानी पिए 2 गिलास। तो गाइज़, अब हम फ्राई करेंगे अखरोट, और इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। गाइज, अब आ गई है बारी मूंगफली की। एक साथ मूंगफली डालेंगे, ठंड बढ़ चुकी है किचन में। तो गाइज, मूंगफली तैयार है अपनी, तो इसको निकाल लेते हैं अब हम। तो गाइज, टाइम आ गया है पिस्ता को फ्राई करें। पिस्ता के साथ हम इलायची भी कर लेते हैं। अब इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो गाइज, पिस्ता और इलायची हो चुके हैं। गाइस, अगली आइटम है हमारे चुहारे। तो गाइस, हमारे चुहारे भी तैयार है। अब गाइस, ये नोटिस करने वाली बात है कि चुहारे जब भी लेने तो ब्राउन वाले लेना, और येलो जैसे होते हैं एक, वो मत लेना येलो ऑरेंज कलर के, ठीक है गाइस। तो अगली चीज़ है हमारी गरी बुरादा। तो हो जाए, गरी की खुशबू आने लग पड़ी है। तो गाइस, गरी बुरादा भी हमारा हो चुका है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है जी। ये काजू बादाम, कढ़ाई में पहले ही घी पड़ा है। तो गाइस, साथ में आप ये बताएं नीचे कमेंट करके कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देगा कि नहीं, और किसकी गलती है इस समय, नाटो की? नाटो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, और इसमें ये रूल्स है कि अगर कोई भी नाटो की कंट्रीज़ को, यानी अमेरिका या यूरोप की किसी कंट्री को, या और भी है नाटो में और भी कंट्रीज़ है, उन पे हमला करेगा तो सारों पे हमला माना जाएगा, और नाटो के सारे देश मिलके उससे मुकाबला करेंगे। और एक तरफ है रशिया, जो कि चाहता है कि यूक्रेन उसके देश में मिल जाए, और रशिया वैसे बोल तो ऐसे ही रहा है कि हम ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर 1 लाख सैनिक वहाँ पे यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज के उसने अच्छा नहीं किया है।
नीचे आप कमेंट में बताएं कि असल में गुनहगार कौन है, नाटो कंट्रीज़ या ये रशिया। और ये भी बताएं कि इंडिया में फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनना इतना स्लो क्यों है, जब इतने सारे इंजीनियर और मैन पावर और पैसे की कमी नहीं है। तो फिफ्थ जनरेशन 5.5 जनरेशन एम का AMCA जो कि एयरक्राफ्ट है इंडिया बना रहा है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसको बनने में इतने टाइम क्यों लग रहा है, और तेजस को हम इतना धीरे क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंट्री को ही, ये जानते हुए भी कि हमारे ऊपर कभी भी ख़तरा मंडरा सकता है। और गाइस हमारी चार मगज तैयार है, अखरोट हो गया है तैयार अब। तो गाइस दो चीज़ें तैयार हो गई है, चार मगज और अखरोट। तो गाइस अब टाइम है मूंगफली का। तो गाइस मूंगफली अब हम करेंगे इलायची और पिस्ता। तो गाइस चुहारे मैंने काट के डाल दिए हैं, और इसको काटना बड़ा मुश्किल था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे रखा मैंने एक चुहारा, और इसको इस तरह दबाया और फिर उसको छिल के निकाल दिया ये। साथ साथ में मैं प्रोज और कौन भी बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा घी डाल दिया था, तो ये मूँगफलियाँ थोड़ी गिल्ली हो गई हैं, ज़्यादा मूँगफलियों का जो बरात गई है, और ये चार मगज भी। और एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस काम में कि अभी मैंने चुहारे डाले थे पर ये हो नहीं पा रहे, उल्टा ये घस गया है थोड़ा सा। और अब बारी है काजू बादाम की लास्ट। तो गाइस काजू बादाम भी हो गया है, और ये मेरा जूसर मिक्सर बड़ा तगड़ा है, इनाल्सा कंपनी का है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का काम कल करेंगे, क्योंकि इस टाइम काम करने से दूसरों की नींद ख़राब हो सकती है, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है जिससे दूसरों को हर्ट हो। तो आज के लिए रेस्ट लेते हैं और कल करेंगे अब आगे का काम शाम को।